हालिया रोसे आज आम बनवा कड़ाई पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तेज चलो तो देखी ना आज रेसीपी नुआ नुआ ओडिया रोसेर वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। भई एठ मु 200 ग्राम पनीर को बिल्कुल स्क्वायर शेप रे आउ टिके बडो साइज रो काटि के नै छी। गोटे मीडियम साइज रो कैप्सिकम आउ गोटे मीडियम साइज रो पियाज को बिल्कुल एई भलिका साइज रे आउ टिके बडो आकार काटि के नै छी। गोटे मीडियम साइज रो पियाज को आउ गोटे मीडियम साइज रो टमाटर को बिल्कुल चुनचुन आकार काटि के नै छी। एठ मु लगे छी 1 टेबल स्पून अदा रसुण पेस्ट को एटी हमें जीरा गुंड धनिया गुंड लंका गुंड हल्दी गुंड को हाफ टी स्पून लाखे नहीं स्वाद अनुसार लुण दुईटा लवंग चार पांचटी गोलमरच को दुईटा तेजपत्र तीन टा सुखिला लंका हाफ टी स्पून मुझे जीरा को हाफ टी स्पून धनिया को नहीं। लेटेस्ट पिक्चर न्यू रेसिपी रेसिपी टिप्स आपंकर रेसीपी रिलेटेड जो क्वेश्चन और सल्यूशन आम इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करूँ आउ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ये मुझे गैस को ऑन करके गोटे पैन बस नहीं दुटा सुखा लंका ये मुझे गोटा धनिया जीरा पान मधुरी आठ मुझे गोलमरच को पक सब गोटा मसला को आम गोटे मिनट पर्यटन गैस आँच को स्लो रखी आपको आम भाजी ना मन रखार कलर आप चेंज करेंगे नहीं कि आपको आप अधिक समय भाजबे नहीं। तो देखते ये आम मसला को भाजवा आम गोटे मिनट हो सारी आ मसलार बास्ना आसवा स्टार्ट तो जो आप देखिए कि मसलार बास्ना आसवा स्टार्ट तो आपठ अधिक वेटा को भाजबे नहीं गैस को अफ कर ना आस मसला को आम थंडा हाँपी देद मसला थंडा हो सारापर आराम ग्राइंड कर ना कि मन रखिए मसला को आप भलसे ग्राइंड करेंगे नहीं टे दर खदड़ा रोक तो सेम पैन रे हमें दे देबा गोटे चम्मच तेल को सही तेल रे एबे हमें कैप्सिकम और प्याज को जस्ट गोटे मिनट पाई गैस रे आंच को स्लो रे रखी आप टिके भाजी नबा। आपन चाहिले कंचा कैप्सिकम और प्याज को मध्य पके परंती किना टिके भाजी के पके द्वारा एटा बहुत जल्दी सिझि जाय थाए और नरम मध्य हो जाय थाए। तो गोटे मिनट रे अधिक आपन एटा को भाजिबे नी कि कैप्सिकम और प्याज रो कलर को अपन जवाबी चेंज करबे एटा जस्ट हम गोटे मिनट हल्का टिके भाजकी आप काढ़ नबार अछि। तो प्याज आ कैप्सिकम को भाजियो एबे हमर गोटे मिनट हे सर छि एबे एटा हम काढ़ नबा गोटे प्लेट को। तो सेम पैन रे एठ मुते दे छि आ हाफ चम्मच तेल को एबे एथरे हम पनीर को दे देबा पनीर को हम टिके हल्का भाजि नबा आप चाहिले एथरे कंचा पनीर को मधे ऐड करि परंती किंतु भाजि के दबा द्वारा टेस्ट टिके अधिक भल लागि थाए। तो देखो तो पनीर टेबे आमर भलसे भाजी जाइए आम काढ़ी ना आठ अधिक आपड़ा जमा भी भाजबे नहीं एथर आम आउ गोटे चामच तेल को देद दुई खंड डालचीन गोटे सुखा लंका आ दुटा लवंग दुईटा तेजपत्र को देद एबर आम कटा पियाज को आड करवाबर आम कटा पियाज को आड करवा पियाज को आम गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत आपको मीडियम आंच रे टिके भल से भाजी नबा। पियाज टी आम गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यही समय आम देद अदा रसुण पेस्ट को तो मसला को कसवा इटे आम गोटे रू दुई मिनट हो जाए आम देद कटा टमाटर को आमाटो के आम सीझा बेगा छाड़ ना यही समय देद स्वाद अनुसार लुण को। तो देखते ये आम मसलार तेल छाड़ा स्टार्ट एवं आम आम सब गुंड मसला गुड़क पकई नवा आ गोटे मिनिट पर स्लो आंच रे भलसे कसी ना मसला टी आम बहुत भलसे कसी जाइए तो आम जो गोटा मसला को ग्राइंड कर नहीं थे आम देद गोटे चामच आप देखी पाथे ये के ग्राइंड होती दर खदड़ा रहा दरकार तो यहाँ इत ही आप रखे तो ये आम सब कुछ भलसे मिसई ना आर आम पा को आड करवा एम हाफ ग्लास पा को आड करवा एवं आम कैप्सिकम आ पियाज को मध्य पकई नवा कवर करके छाड़ ना स्लो आंच रे दुई मिनिट पाए। तो देखते ये कवर करके छाड़ दुई मिनिट हो
तेल छाड़ा स्टार्ट हो गला तो यही समय आम देदेव आगे भाजिक रखि पनीर को पनीर को देखिए दु मिनिट एम छाड़ ना जहाद्वर कि पनीर भितर आम सब बाकी मसला गुड़ इजिली बसीज तो देखो फ्रेंड्स ये आम कड़ाई पनीर बिल्कुल रेडी एवं आर उपर अल्प टिके हाफ चमच देदे गरम मसला को टिके भल फ्लेवर पर भल टेस्ट पाई तो कड़ाई पनीर तो अधिक परिमाण में ग्रेविटी रही न था तेणुकर रखा गैस अफ करना तो देखो फ्रेंड्स ये आम कड़ाई पनीर बिल्कुल रेडी सारी आपने घर ये प्रोसेस रे कड़ाई पनीर को प्रस्तुत करते आगे गरमा गरम भात ना रुटी के नान सहित खाते ये बहुत ही भल लगी था आटा केमती लगे बनई सारे आपर एक्सपीरियंस मैं कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करते थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज रेसीपी जब आपको पसंद आज को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक देखुंट आपर पेज को लाइक करनी जब यूट्यूब देखुंत वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी तेज देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंटू नमस्कार।